नीतीश तिवारी के ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण में हम सभी को नजर आने वाले थे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। फिर इन तीनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि ड्रीम प्रोजेक्ट कहीं ड्रीम ही रह गई? नीतीश तिवारी की रामायण में राम का रोल प्ले करने वाले थे रणबीर कपूर, तो वहीं माता सीता का कैरेक्टर निभाने वाली थी आलिया भट्ट। लेकिन फिर क्या हो गया कि रामायण जैसी बिग बजट मूवी से आलिया भट्ट की छुट्टी कर दी गई? वो कौन सी वजह है? आलिया के बाद वो कौन सी अभिनेत्री होने वाली है जो इस रामायण में माता सीता का कैरेक्टर प्ले करेगी? कुछ इंटरेस्टिंग सा ही बताएंगे। तब तक आप सभी स्क्रीन को डबल टैप करें। रामायण इंडिया की सबसे बड़ी पिक्चरों में से एक है। रामायण की डिमांड इतनी ज्यादा है कि पब्लिक इसके पुराने वर्जन से काफी कनेक्टेड है। अगर एक अच्छी और पुरानी कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करके बड़े स्क्रीन पे दिखाया गया तो पब्लिक जरूर इस फिल्म को पसंद करेगी। वैसे नीतीश तिवारी काफी बेहतर डायरेक्टर भी है। इन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे और आमिर खान के साथ सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी दंगल बनाई थी। रामायण के इस वर्जन में कोई गलती ना हो इसलिए इन्होंने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को कास्ट किया। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस पिक्चर के लिए आलिया भट्ट के पास डेट नहीं है। वैसे रामायण में सीता का कैरेक्टर कौन से अभिनेत्री प्ले करने वाली है ये तो पता नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स है, आप अपने हिस्से की जानकारी यहाँ पर साझा कर सकते हैं। शुक्रिया।